नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से कुछ ऐसे कैंडिडेट थे 2018 वाला में जिनको कि मेडिकली आप कह सकते हैं फिट हैं, लेकिन वो अनफिट भी हैं। किस सेंस में मैं अनफिट कह रहा हूँ, क्योंकि उनका जो ग्रेड है मेडिकल में वो B2 और उससे नीचे C1 से नीचे इस तरीके से दिया गया है। तो उनका इम्पैनल नहीं किया गया था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट नहीं थे, यानी कि जो मेडिकल क्राइटेरिया रखा जाता है उसके अकॉर्डिंग वो फिट नहीं थे, और वो जो जिस मेडिकल को फिट करते थे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पोस्ट नहीं थे। तो उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप री मेडिकल के लिए क्लेम कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि री मेडिकल के लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके मन में हमेशा रहते हैं, जो कि मैंने बताया भी था। यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि री मेडिकल के लिए क्या प्राइवेट डॉक्टर एलिजिबल है। अगर आपके प्राइवेट डॉक्टर ने लिख दिया है कि आप मेडिकली फ़िट हैं फलाना चीज़ के लिए, यानी कि A1 स्टैंडर्ड या A2 स्टैंडर्ड जो भी है, तो क्या उसको रेलवे मान्यता देती है, या आपको एम्स जैसे डॉक्टर के ही जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसको मान्यता देता है। तो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे आज क्लियर हो जाएगी। इन फ्यूचर भी अगर आप री मेडिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये 27 को रिलीज हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि सब्जेक्ट है अपॉर्चुनिटी टू अपील फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन CEN02/2018, यानी कि ग्रुप डी का बात कर रहा है यहाँ पे। देखिएगा, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट CEN02/2018 कंडक्टेड बाई RRC गुवाहाटी NFR, कैंडिडेट्स वेयर सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टू द हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। 114 कैंडिडेट हुज रोल नंबर जो भी नीचे दे रखा है, नेम आर गिवन बिलो, वे आर फाउंड फिट इन B2, C1, C2 मेडिकल कैटेगरी एंड देयर फोर आर नॉट इम्पैनल अगेंस्ट CEN02 ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट पोस्ट इन हिज मेरिट पोजिशन विच सूट्स मेडिकल फिटनेस स्टेटस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि B2, C1 और C2 पाया गया, और इस मेडिकल कैटेगरी के लिए यहाँ पे देखिएगा, इस मेडिकल फिटनेस के वहाँ पे सीटें नहीं है, ठीक है। वहाँ पे सीटें जिस मेडिकल स्टैंडर्ड के थी वो तो फुल हो गई, और इस स्टैंडर्ड की जो सीटें हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो जिनको लगता है कि इस स्टैंडर्ड से मेरा अप स्टैंडर्ड है, यानी कि उनका स्टैंडर्ड A2 है या A1 है, जो कि सीटें अभी भी खाली है उन सभी चीज़ का, तो जिनको लगता है कि नहीं, ये जो आपने मेरा चेक किया है वो गलत चेक किया है, मैं री मेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उनके लिए ये मौका है। देखिएगा क्या दे रखा है, कैंडिडेट्स हु वांट टू प्रीफर अपील फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन में अटेंड RRC गुवाहाटी ऑफिस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे स्टेशन रोड गुवाहाटी एंड सूट अपील ऑन एनी वर्किंग डे और ऑन बिफोर 17 आवर्स ऑफ 25/1/2022, यानी कि 2022-25/1 से पहले आप वहाँ पे जाके अप्लीकेशन दे सकते हैं कोई भी वर्किंग डे में। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हेडक्वार्टर है वो आपके जो है सैटरडे और संडे को ऑफ रहती है, बाकी आप 10-10:30 बजे के बाद आइएगा, क्योंकि मैं उसी हेडक्वार्टर से जुड़ा हूँ, तो मैं जाता रहता हूँ हेडक्वार्टर, तो मुझे पता है कि वर्किंग डे में कितने से कितने बजे तक आपके काम होंगे। 10:30 बजे के बाद ही आपके काम होंगे, उसमें भी बीच में आपको लंच हो जाएंगे 1 घंटे के लिए, और उसके बाद तकरीबन 4 बजे तक आपके काम होते हैं, तो आप जाइएगा। तो एक बार अगर आप मुझसे भी कंसल्ट कर लेंगे तो मैं आपको और भी आइडिया बता दूंगा। ये जैसे ही कामाख्या स्टेशन उतरिएगा वहाँ से ₹10 किराया लगेगा, यहाँ पे आप ऑफिस पहुँच सकते हैं, ठीक है। आगे दे रखा है, द अपील शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द परफॉर्मा, यहाँ पे देखिएगा जो परफॉर्मा दे रखा है उसमें होना चाहिए, और आपके DD होने चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट होने चाहिए 1000 के, और अगर आप मेडिकली फिट होते हैं जिसके लिए आप क्लेम करते हैं तो ये पैसा आपके लौटा दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दे रखा है, मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है, तो यहाँ पे देखिएगा आगे दे रखा है, द अपील शुड मेंशन द रीजन जस्टिफिकेशन फॉर विच द कैंडिडेट इज मेकिंग द अपील, यानी कि आपको ये जो आप अप्लीकेशन डालेंगे उसमें प्रॉपर लिखेगा कि
हम इसके लिए फिट हैं और हमें ये जो डॉक्टर हैं वो फिट घोषित करते हैं, उनका प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब नीचे दे रखा है कि कैसे उनको डॉक्टर को लिखना है वो भी दे रखा है। देखिएगा डॉक्टर के लिए जो अनेक्सर है वो भी इसमें अटैच किया गया है। कोई भी डॉक्टर हो, या तो आपके यहाँ पे देखिएगा गवर्नमेंट हो या प्राइवेट डॉक्टर हो स्पेशलिस्ट, ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो अगर आपको फिट कर देते हैं उनको। लेकिन हाँ, उनको भी पता होना चाहिए कि A1 या A2 या B1 या B2 जो स्टैंडर्ड दे रखा है रेलवे का उसमें क्या क्या मांगता है, उनको भी ये नॉलेज होनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें इसमें वही सब चीज़ें दे रखी है, आपको 1,000 का DD बनवानी है। और जो कैंडिडेट है, देखिए जो कैंडिडेट पहले से री मेडिकल के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनको दोबारा अब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार जो रेलवे है फिर से आपको इनवैलिड कर दिया तो आप इनवैलिड हैं, ठीक है, तो दोबारा आप नहीं क्लेम कर सकते हैं, एक ही बार मौका दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको नीचे देखिएगा ये सभी नाम है और इनका जो मेडिकल फिट पाए गए हैं तो इस ग्रेड में पाए गए हैं, और यही सब लोग अब एवब ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं री मेडिकल के लिए। टोटल मैं बात करूँ तो देखिएगा 114 लोग हैं री मेडिकल के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए री मेडिकल इसलिए अप्लाई करते हैं कि हो सकता है कि रेलवे में थोड़ा सा जल्दीबाजी में कुछ दिक्कत हो गई होगी या उस समय कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया होगा जिससे पता नहीं चला होगा, तो जो जेन्युइन बंदे हैं वो री मेडिकल के लिए अप्लाई करेंगे तो वो फिट हो जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये जो है आपके अप्लीकेशन है, देखिएगा अप्लीकेशन जो होगा वो आपके PCMD NFR रेलवे को लिखा जाएगा, अपील फॉर रिमेडिकल, इस तरीके का फॉर्म होगा, ठीक है। और इसमें आप अपना भर दीजिएगा कि जो जो चीज़ भरना है, जैसे दिस इज स्टेट डेट मिस्टर हैड अपियर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन ए सच, कब कब आप मतलब कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप मतलब गए थे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर, रोल नंबर वगैरह सब चीज़ देना है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देना है, और उसके साथ ये भी अटैच करना है एनेक्सस सी, जो कि आपके डॉक्टर ये वाला लिख के देंगे, ये वाला, ये जो परफॉर्मर सी है उसमें डॉक्टर इसको भर के देंगे। देखिए फोटो जो है यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा अटेस्ट किया जाएगा, आई हैव चेक्ड, आप जो भी आपका नाम है उनको आपने चेक किया, यानी कि डॉक्टर ये लिख रहे हैं सन ऑफ सच एंड सच। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हैज अप्लाइड लेवल से ये जो है उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको मैंने चेक किया है और ये इस लेवल में फिट पाए जाते हैं, ये डॉक्टर का कहना है। उसके बाद आई जो डॉक्टर का नाम है स्पेशलिस्ट डॉक्टर इज फुली अवेयर ऑफ फिजिकल एंड विजुअल स्टैंडर्ड ऑफ, यानी कि ये वाला परफॉर्मा आपके डॉक्टर के लिए दिया गया है, इसको अटैच करके और DD को अटैच करके आपको वहाँ पे जाके सबमिट करना है एप्लीकेशन ये वाला, ठीक है। तो ये तरीका है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप री मेडिकल के अप्लाई कर सकते हैं। और री मेडिकल के लिए ऐसा नहीं है कि आप सरकारी डॉक्टर के ही हो, आपके कोई भी प्राइवेट डॉक्टर हो जो रजिस्टर्ड हो, ऐसा नहीं है कि गांव में जो बैठते हैं डॉक्टर वो लिख के दे दिए तो हो जाएगा, नहीं, रजिस्टर्ड हो उनका बजाबते रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होता है, पैड वगैरह नंबर होता है, तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फिट हैं उस मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए A1 A2 के लिए तो आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पैसे भी बच जाएंगे अगर आप जेन्युइन हैं, नहीं तो जेन्युइन नहीं है तो आपके 1,000 रुपये रख लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि समय समय पे चीज़ें आती रहती है। तो कोई भी अपडेट हो बने रहिएगा चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।